गाइस, हाउ आर यू ऑल्सो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, तो आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। जैसा कि आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा, तो कपड़े बहुत हो गए थे, वॉश कर लिए गए। अब सारे कपड़े को आयरन करके मैं उनको अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि मैं बाहर कहीं भी निकलती हूँ पहले घर को सेट करके निकलती हूँ, फिर ऐसा ना हो घर आऊँ पूरा घर फैला रहे, तो वो काम मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहे हैं कपड़े आयरन, और आज ही हम लोग को रात को निकलना है दिल्ली के लिए। और मेरे हस्बैंड की आज भी काम लगा हुआ है, तो आज वो वाणी को स्कूल लेने के लिए नहीं जा पाएंगे, तो मैंने भाई को बोला, तो भाई और पापा भी साथ में गए और साथ में भांजा भी, तो वो लोग वाणी को स्कूल से पिक करेंगे और वही घर पे लेके आएंगे। पापा आ गए फिर से? अच्छा, असर हो गया डांटने का ना। दीदी चलो दीदी, कैप लगाए कैप लगाए। कल हेलो ना खाना, हेलो खाना, बिस्किट खाने, साची ले लो, बालू शाही ना खा दो पापा, बाबू देसी घी जी आए। ठीक है मिट्टी बोले, ठीक है ना, मिट्टी है, ठीक है, लो बाबू ना मिला। तब बैलो ठंडो के पर किसे दिखे खाना, इलाही मिलो हो जाई मठरी, हे मठरी भी हुई, मठरी अलग कढ़ी रखी हूं कि मठरी कमेंदी, टेस्ट कर दो, टेस्ट कर, हाँ कढ़ी रखी, हाँ तरी तो कढ़ी रखी। अच्छा हाँ, तो मैम पूछे हो मिताली मैम ने चाचे हो मामा वेलकम, फोटो भेजे रखो मैं माँ से ना भेजे, मैं साची के चो दे कोई मैम दिखाए हुई तो क्या कि ये मामा है वो तो चाचा सी कहे को क्या कहे बाबू, ये वो खराब दे दिया पापा को, बाबू कार से ना आए, छा सा स्कूटी से आए वहां, कार से ना आए, अच्छा वो कार से कड़ी ने, अरे ये भी स्टार्ट करे दो, ये तो खतरे में कम कर दो, कार स्टार्ट करी में दो है, हां उन्होंने भी वो स्कूटी भी भैया तू है तो। जी तो गाइज, आपने यहाँ पे कुछ हम लोग की बातें सुनी होंगी, तो वो आपने सिंधी लैंग्वेज में सुनी होगी, जाहिर सी बात है कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं आप लोगों को कुछ अपनी लैंग्वेज सुनाया करूँ, जिससे आपने आपने सुना कि उसको मैं म्यूट करके फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, या फिर आप वैसे ही सिंधी में थोड़ा सुनने का मजा लेना चाहेंगे? प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं उसको एक्सप्लेन करके हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगी। मैंने जानबूझ में इसलिए वहाँ पर और वैसे नहीं किया कि ताकि आप लोग इस लैंग्वेज का भी सुन के मजा लें, है ना? क्योंकि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तो जब हम वो मेरी फ्रेंड्स घर पे आती थी, हम लोगों को ऐसे बातें सुनती थी, तो कहती थी ऐसे ही बात किया करो, अच्छा लगता है, अच्छा हम लोगों को भी सिखा दो। तो अब ये जरिया मिला है आप लोगों को हम लोग की बातें सुनने का, अगर जिनको जो हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, तो थोड़ा मैं इसलिए आपको सुना रही थी कि ताकि आप थोड़ा एंजॉय करें, मजा लें, और थोड़ी थोड़ी शायद शब्द आप लोगों को समझ में भी आता होगा। तो अब बस पापा लोग जा रहे हैं, हो गया है, और पापा लोगों को कहीं और भी जाना था शायद, या फिर धूप भी बहुत तेज़ हो चुकी थी, बोला कि नहीं हम घर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को भी निकलना था रात के लिए, तो सारी तैयारी भी कर रहे थे। पापा ने बोला कि आप लोगों का मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो अब मुझे चलना चाहिए। तालो ना आयो ना, हाँ
बाय बेटा, बाय बाय, लव यू पापा, बाय कह रख, बाय कह रख। पैकिंग स्टेट्स जी। तो गाइस अब हम लोग हो गए रेडी, और ये जो आप नागरा देख रहे हैं ना, ये वही नागरा है जो दीदी ने मुझे लाके दिए थे। तो लेट्स गो जी। तो हम लोग खाना खा के निकल चुके थे, तो हस्बैंड ने बोला कि मैं रास्ते में पहले कुल्फी खाऊंगा तब स्टेशन चलेंगे, बट उन लोगों को कुल्फी मिली ही नहीं। मेरा गला बैठ गया है, नहीं बोल पाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। मम्मी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। आपने कैसे पढ़ लिया होगा, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। दिल्ली से नोएडा जाएंगे। साफ है ना? अभी चेक करिए, अभी मैं भाई भी चेक कर रही हूँ। जी तो गाइस हम लोग जाने वाले थे दिल्ली से उतर के, तब हम लोग नोएडा को आना था, लेकिन ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही थी, तो हम लोग ने सोचा कि गाज़ियाबाद उतर के ही हम लोग नोएडा चले जाएंगे, और यहाँ से पास में ही था नोएडा, तो चाचू ने वहाँ पे टैक्सी भेज दी थी गाज़ियाबाद में, तो फिर हम लोग टैक्सी से नोएडा की ओर चल पड़े हैं। बस टैक्सी आ गई है, अब हम लोग निकल चुके हैं नोएडा के लिए। और जी मेरा गला बैठ चुका है एक दिन पहले से ही, तो सो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। तो जी ये है होटल एलाइट पीक
जहाँ पे चाचू ने रहने का इंतजाम करा रखा था। सारे गेस्ट यहीं पे रुके हुए थे। तो शादी का वेन्यू कहीं और था, वो दिल्ली में था, मयूर विहार में। यहाँ पे सारे गेस्ट रुके हुए थे, जो छोटे से रस्म थे हल्दी और हाँ हल्दी रस्म वगैरह, वो इसी होटल में हुई थी। तो जी हमने जैसे ही एंटर किया, वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई थी और साथ में मेरे हस्बैंड की बुआ, कज़िन बुआ भी बैठी हुई थी। और ये है हम लोगों का रूम, जो हम लोग को चाचू ने रूम दिया है। जी ये है जो लड़की बैठी है सामने पर्पल टी शर्ट में, यही है दुल्हनिया। और ये रेड टी शर्ट मरून में देख रहे ना, ये है चाचू। तो पहुँचते पहुँचते 11 बज गया था। चाचू और आंटी ने बोला कि पहले जाके नाश्ता कर लो, उसके बाद फिर नहा के रेडी होके हल्दी रस्म में आ जाना। तो हम लोग ने पहले जाके नाश्ता ही किया था। तो नाश्ता में आलू पूरी और पोहा था, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे दिखाया। ये कौन है? यशी है ना? और ये कौन है? अच्छा वो है, हम कौन है आगे पता है? अच्छा रॉकी वैसे पुत्र से मिलो सर जी। कैसी हो? सुना रही कान तो मैं मिलो ही खाने तो सुना तो खाते हैं है ना। मम्मा पे भयो तो पान जी मम्मा से नाम कहीं बढ़ते हैं है ना। हाँ मैंने फ़ोन किया था पापा ने। तो जी ये जो लड़का देख रहे हैं ना, ये मेरी देवरानी, मतलब मेरी कज़िन देवरानी, मेरे हस्बैंड के चाचू की बहू का बेटा है। ओके जी, तो अब हम लोग का हो गया है यहाँ पे नाश्ता भी, और अब बस हम लोग जाएंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे और रेडी होना है हल्दी रस्म के लिए। तो आगे का व्लॉग आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, बहुत सारा ध्यान रखिएगा।